नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बीते महीने 13 जून को एलजीपी के 4 सांसदों के साथ खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे चुने जाने का दावा करने वाले पशुपति पारस के अब जो तेवर देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बदले बदले हैं। आपको बता दें कि आज वो पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पे जब मीडिया कर्मियों ने उनसे कुछ सवाल पूछे जो कि रामविलास पासवान के जयंती को लेकर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं जो चीज़ चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। आशीर्वाद यात्रा तब होती जब रामविलास पासवान होते। रामविलास पासवान तो है ही नहीं, ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि ही यात्रा निकालनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपनी कर्म भूमि से उन्हें अपने जो भी पिता को जो श्रद्धांजलि देनी है वो वहाँ से करना चाहिए, यानी कि जमुई से उन्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। इस वक्त चिराग पासवान 5 मई को जो आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं वो हाजीपुर से निकालने वाले हैं। बीते महीने लोक जनशक्ति पार्टी के 4 सांसदों के साथ खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का दावा करने वाले पशुपति कुमार पारस के तेवर अब धीरे धीरे नरम पर रहे हैं। पशुपति पारस ने जिस वक्त चिराग पासवान के खिलाफ बगावत करते हुए खुद को संसदीय दल का नेता घोषित कराया था और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे, उस वक्त उन्हें उम्मीद थी कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा, पारस के तेवर भी पहले से नरम पर रहे हैं। पटना पहुंचे पशुपति पारस ने स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा है कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी की जयंती मनाने को लेकर कोई विवाद नहीं है। चिराग पासवान भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, स्वर्गीय रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी जाए। आपको बता दें कि 5 जुलाई को पटना स्थित प्रदेश एलजेपी कार्यालय में स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पारस खेमे के तरफ से मनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में अपने पिता की जयंती मनाएंगे। हाजीपुर की एक दलित बस्ती में चिराग की तरफ से जयंती का आयोजन किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान पशुपति पारस ने चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा नहीं मनाने की सलाह दी। पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। आशीर्वाद यात्रा को पशुपति पारस ने गलत बताया और कहा कि किस बात का आशीर्वाद यात्रा, रामविलास पासवान तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। पशुपति पारस ने कहा कि श्रद्धांजलि सभा होनी चाहिए, इसलिए पशुपति पारस ने चिराग पासवान को सलाह दी है कि वह जमुई से यात्रा निकाले। पशुपति ने बताया कि उनकी ओर से लोजपा पार्टी कार्यालय में जयंती मनाई जाएगी। आप लोग किस तरीके से देखते करो माइक का करो सारे लोग नीचे नीचे भारत जिसका ये लड़का लोगों को नीचे करो अपने वोट बैंक को मोबिलाइज करने के। अरे यार कोई विवाद नहीं है, एक ही उद्देश्य है पासवान जी का, वही बना रहे हैं सर। इसके बहाने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बना रही है सर। इसके बहाने शक्ति प्रदर्शन कर नहीं हो रहा सर। इसके बहाने कोई को मनाने का अधिकार है कार्यालय में पार्टी की ओर से। लोग थोड़ा नीचे कीजिए माइक। वृहत रूप से हम लोग मना रहे हैं। पूरे बिहार से काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और पूरे देश में भी दलित सेना और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से पूरे देश में सभी जगह उनकी जयंती मनाई जा रही है। उस दिन चिराग भी निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, चिराग भी निकाल रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा है, कैसा है स्वर्गीय पासवान जी के बेटे हुए चिराग पासवान जी, उनका भी अधिकार है, मैं उनका भाई हूँ, मेरा भी अधिकार है, वो निकालते हैं तो अच्छी बात है। जो खुशी है उसमें कोई तकलीफ क्या बात है। वो हाजीपुर से निकाल रहे हैं, हम पार्टी कार्यालय पटना। वो तो आशीर्वाद यात्रा है कि आशीर्वाद लेंगे देश पूरे बिहार भर में घूम के। मैं तो कल कह चुका हूँ कि आशीर्वाद यात्रा गलत है। आशीर्वाद किस बात का आशीर्वाद, पासवान जी तब रहे नहीं, पासवान जी किस दुनिया में रहे नहीं, तब किस बात का आशीर्वाद। श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए, आशीर्वाद यात्रा नहीं होना चाहिए। मैं कल कहा हूँ कि पासवान जी का श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए और चिराग पासवान जी का कर्म भूमि जमुई है तो उनको जमुई से निकालना चाहिए। जमुई से निकालेंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात चल रही है। ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है।
आपको बता दें कि जिस वक्त वो पार्टी से अलग हुए थे, जिस वक्त वो पार्टी में बगावत का रुख अख्तियार उन्होंने किया था, उस वक्त उन्हें लगा था कि केंद्रीय कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद अब उनके जो तेवर देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी बदले हैं। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।